दोस्तों, बैंक से पैसे निकालने के तो कई तरीके होते हैं। एक तो आप फॉर्म भर के निकाल सकते हैं और दूसरा आप चेक को फिल करके निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को चेक भरना नहीं आता है। सो गाइस, मैं हूं परवेश खान और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि चेक को कैसे सही सही भरा जाता है, जिससे आपको पैसा निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका चेक कैंसिल ना हो। साथ ही इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैंसिल चेक कैसे करते हैं, जिसे कैंसिल चेक का यूज़ ये होता है कि आप कहीं भी देकर आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं या नया अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ICICI बैंक का चेक है। यहाँ पे चलिए मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ कि यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है, जो भी हम आज के दिन डेट भरेंगे, उस डेट से 3 महीने तक ये चेक वैलिड रहेगा। अदरवाइज जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, ये चेक काम नहीं करेगा आपका। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है आप जिस व्यक्ति को आप पैसे पे करना चाहते हैं या उस कंपनी को पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंपनी या उस आदमी का नाम डाल देंगे और रुपीस की जगह पे आप जितना अमाउंट डालना चाहते हैं उसको वर्ड में डालेंगे। या तो आप इंग्लिश में भी डाल सकते हैं या फिर हिंदी में भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अमाउंट ऐड करेंगे जितना आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें, हम यहाँ पे ये चेक नंबर है और यहाँ पे ये MCR नंबर है और ये आपका अकाउंट नंबर से रिलेटेड है और ये आपका चेक नंबर है। तो दोस्तों, ये चेक है ICICI बैंक का। अब चलिए हम इस पे आपको दिखाते हैं कि कैसे फिल किया जाता है। पे की जगह पे हम नाम लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले अमाउंट, हमें कितना पे करना है। अब इस 500 को हम यहाँ पे वर्ड में लिखेंगे। या तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं या आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसे वर्ड में लिख लेंगे और लिखने के बाद दोस्तों, ये कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे हम आज का डेट डाल देंगे। दोस्तों, चेक बनाने में सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पे जो साइन का ऑप्शन दिया है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लीज़ साइन एवोब लिखा हुआ देखकर इसके नीचे साइन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये क्या होता है, नीचे साइन करने के बाद चेक आपका कैंसिल हो जाता है, वेरीफाई नहीं किया जाता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको यह भी बता दे रहा हूँ कि चेक का जो भी साइन हम करते हैं, हमारे नाम के ऊपर करते हैं, यानी जो ये नाम लिखा हुआ है इसके हम ऊपर करेंगे। दोस्तों, ये आपका चेक तैयार हो चुका है। अगर कोई भी इसको लेके जाएगा तो वो उसका कैश में विड्रॉल करा सकेगा। लेकिन यही चीज़ दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 2 लाइन क्रॉस कर दें तो ये चेक क्या होता है, जिसके नाम से हमने बनाया हुआ है, वो उसको कैश ना मिलके उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। चलिए हम ये भी आपको बता देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे 2 लाइन क्रॉस कर देंगे तो ये देखिए दोस्तों, क्रॉस कर देने के बाद इसका मतलब ये होता है, बैंक वाला आसानी से समझ जाता है कि आपको ये कैश ना देकर आपके अकाउंट में पे करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अकाउंट पे भी लिख सकते हैं, लेकिन बैंक वाला सिर्फ 2 लाइन क्रॉस कर देंगे तो इजीली वो समझ जाएगा। इसके बाद अगर चेक से आप खुद से पैसा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम की जगह आप पे एंड सेल्फ लिख देंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से चेक भरने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं चेक इजीली भरा जा चुका है। अब चेक भरने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे एक स्लिप मिलती है, यहाँ पे जिस दिन में आपने चेक भरा हुआ है, जैसे 14 तारीख का भरा हुआ है आज के दिन का, तो ये चेक भर लेंगे। और चेक नंबर जो हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ये चेक नंबर है आपका, इसे भर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे नाम भरेंगे जिससे हमने पे किया हुआ, यानी इनको हमने पे किया है तो इनका नाम लिखेंगे और कितना अमाउंट लिखा है ये चीज़ हम यहाँ पे फिल कर देंगे, जिससे क्या होता है कि हमारा ये डेटाबेस क्लियर रहता है कि हमने किसे किस डेट में पैसा दिया हुआ है। दोस्तों कैंसिल चेक का मतलब क्या होता है? कैंसिल चेक दो जगह आपको यूज़ होते हैं, एक तो आपका बैंक डिटेल वेरीफाई करने के लिए और दूसरा आपकी सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए। दोस्तों कैंसिल चेक बनाना बहुत ही इजी है, उस पर आप एक क्रॉस लाइन कर देंगे और उस पर कैंसिल लिख देंगे तो ये चेक कैंसिल हो जाएगा और कोई भी आपका चेक यूज़ नहीं कर पाएगा। आपको कहीं भी चेक देना है, जैसे आपका बैंक डिटेल वेरीफाई करना है तो जिसमें आपका अकाउंट नंबर भी दिया होता है, आपका IFSC कोड भी दिया होता है, सब कुछ दिया होता है दोस्तों, यहाँ से ये इजली वेरीफाई हो सकता है, इसलिए कैंसिल चेक का यूज़ किया जाता है। कैंसिल चेक में दोस्तों ये भी यूज़ होता है कि आपकी साइन भी वेरीफाई की जाती है कि आपकी जो साइन है बैंक में सही है या नहीं है। दोस्तों इसलिए ये बहुत ईजी है कैंसिल चेक भरना, आप कैंसिल चेक में सिर्फ आप एक लाइन खींच देंगे और उस पर कैंसिल लिख देंगे। सो गाइस ये तो सीखा आपने कि चेक कैसे भरते हैं, लेकिन दोस्तों बात ये है कि अगर चेक के कॉर्नर पे अगर दो लाइन क्रॉस में लगी हुई है तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर चेक पर क्रॉस लाइन नहीं बनी हुई है तो आप उसको सीधा सीधा कैश ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पर दो क्रॉस लाइन नहीं बनी है तो आप उसे बैंक में अपने एक ID प्रूफ के साथ ले जाके इजली उसके फोटो स्टेट कॉपी के साथ लगा के आप बैंक वालों को देंगे तो वो आपको कैश दे देगा। अदरवाइज यही अगर आपके चेक पे दो क्रॉस लाइन बनी हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली में पैसा जो जमा करने के लिए स्लिप होती है हम उसे लेंगे और पैसे की जगह जो चेक का ऑप्शन होगा उस पर हम टिक कर देंगे और उस चेक के साथ हम उसको लगा देंगे तो वो क्या होता है इसलिए हमारे अकाउंट में चला जाएगा। बाकी चीज़ें जैसे आप प्रोसेस भरते हैं बैंक में पैसा जमा करने के लिए सब कुछ वैसे ही करेंगे, लेकिन चेक की जगह पर टिक कर देंगे। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।